क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ डिज़ाइनर कुर्तीस के पैटर्न बताऊंगी, जिससे कि अगली बार जब भी आप अपनी कुर्ती को डिज़ाइन करना चाहें या अपने टेलर को कपड़ा देना चाहें तो आप इन सारे डिज़ाइंस को भी एक बार ज़रूर नज़र में रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, इजी क्रिएशंस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल प्लेन कॉटन ब्लैक कुर्तीज़ जो होती हैं उससे किस तरह से हम मिरर वर्क से डेकोरेट करते हैं उसकी मैं कुछ टिप्स और कुछ आइडियाज़ दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहली कुर्ती है ये सिंपल ब्लैक प्लेन कुर्ती है, इसमें मिरर वर्क किया गया है और जो मिरर फ्रेम यूज़ की गई है वो जो दुपट्टा है उसी से कॉन्ट्रास्ट कलर मैचिंग कलर की ली गई है। तो ये एक अच्छा तरीका है अपनी सिंपल प्लेन कुर्ती को डेकोरेट करने का। अगर आपके पास प्लेन ब्लैक कुर्ती नहीं है और भी दूसरी कलर की किसी प्लेन कुर्ती है तो उससे मैचिंग आप मिरर फ्रेम खरीदें और मिरर में स्टिक करके इस तरह से आप अपना स्लीव्स और नेकलाइन डेकोरेट कर सकते हैं। सिंपल पहले आप कुर्ती में मार्किंग कर लीजिए कि हमको कहाँ कहाँ पे डेकोरेट करना है मिरर्स को, और उसके बाद उसी पॉइंट्स पे हम अपनी मिरर्स को स्टिक करके मिरर फ्रेम्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट ये जो कुर्ती है इसमें सिर्फ नेकलाइन में 3 लेयर्स बनाई गई हैं लाइन से मिरर वर्क की, आप देख सकते हैं। ये भी कॉन्ट्रास्ट कलर के फ्रेम यूज़ किए गए हैं यहाँ पर भी। और ये जो नेक्स्ट कुर्ती है यहाँ कुछ स्क्वायर शेप और कुछ राउंड शेप के मिरर्स यूज़ किए गए हैं, पर सारे मिरर्स में मिरर फ्रेम नहीं लगाया है और ये साइड पैटर्न में ही लगाया गया है मिरर्स जो है। आप देख सकते हैं कि पूरी कुर्ती की नेकलाइन में नहीं लगा है, सिर्फ एक साइड पैटर्न दिया गया, ट्रायंगल जैसा बनाया गया है और इसी में जो स्क्वायर शेप के मिरर्स हैं उसे ज़्यादा फोकस करने के लिए उसी में सिर्फ मिरर फ्रेम लगाए गए हैं कॉन्ट्रास्ट कलर के, और बाकी जो छोटे छोटे राउंड जो मिरर्स हैं वो सिंपल प्लेन स्टिक किए गए हैं। इसमें कुछ बीड्स भी यूज़ किए गए हैं लाइन से, या उसकी जगह आप जरदोजी का जो स्प्रिंग आता है वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। ये जो नेक्स्ट कुर्ती है इसमें भी एक साइड में ही मिरर फ्रेम दिया गया है। इस तरह के आजकल बहुत पैटर्न चल रहे हैं कि सिर्फ साइड में ही मिरर देना है, पूरे होल कुर्ती में या होल नेकलाइन में नहीं देना है। तो ये भी एक बहुत आसान और बहुत अच्छा तरीका है घर बैठे ही अपने सिंपल प्लेन कुर्ती को डेकोरेट करने का। इसमें बहुत बड़ा मिरर भी है, छोटे भी हैं, बहुत छोटे भी हैं, तो ये पैटर्न भी बहुत ही सुंदर लुक देता है आपकी सिंपल सी प्लेन कुर्ती को, बहुत एक क्लासी और ट्रेडिशनल लुक आता है। तो एक ये पैटर्न आप ट्राई कर सकते हैं कि मल्टी कलर फ्रेम्स ले लें और मल्टी साइज़ के जो मिरर्स होते हैं वो ख़रीद लें और इसे सिंपल स्टिक करके ऊपर से आप मिरर फ्रेम उसमें अटैच कर दें। अगर आप घर पे मिरर फ्रेम बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। यूट्यूब पे बहुत वीडियोस भी हैं कि मिरर फ्रेम कैसे बनाना चाहिए, किस तरह से बनता है, तो वो आप देख के भी इजीली सीख सकते हैं। नेक्स्ट एक कुर्ती है इसमें भी सेम आप देख सकते हैं उसी तरह का मल्टी कलर यूज़ किया गया है फ्रेम्स का और मिरर्स। ये स्लीवलेस कुर्ती है। इसी तरह नेक्स्ट कुर्ती है इसमें कुछ जो जरी स्प्रिंग्स होते हैं उन्हें यूज़ किया गया है, कुछ रिनस्टोन्स यूज़ किए गए हैं जो स्टोन्स होते हैं, कुंदन्स भी आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, और छोटे छोटे स्क्वायर शेप के मिरर्स स्टिक किए गए हैं। तो ये भी एक अच्छा पैटर्न है आपकी कुर्ती को पार्टी वियर लुक देने का। इसमें फुल स्लीव्स और स्लीव्स में भी ये सेम पैटर्न यूज़ किया गया है। अगर आप इस तरह के स्टोन्स और ये जरदोजी स्प्रिंग है, ये मिरर्स है, इस तरह का आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। अमेज़न पे मेरी पर्सनलाइज स्टोर है, उसमें जाके आप इजीली परचेज कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट करके रखे हैं ये सारे आइटम्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप उससे जाके ख़रीद सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको कुछ यूज़फुल लगी होंगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर हिट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्रिएशंस में, तब तक के लिए शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डिज़ाइनिंग आइडियाज़ अपने फैब्रिक को और अच्छा बनाने के लिए। अगर आप इसी तरह के और डिज़ाइंस या कुछ डिफरेंट डिज़ाइंस देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।